पहुंचती है तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं, उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ, बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलो, पूरी पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ओके मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगिरी। मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41 बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ, ब्लड प्रेशर आ रहा है, बैठ। प्लीज बैठिए, प्लीज 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 बैठिए बैठिए बैठिए। 41 माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी हैं। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाट बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले मान्य सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी मान्य सदस्यों आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूँगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूँगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूँ, और हम जितना आसन का सदन की गरिमा रखेंगे उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं। मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। मैंने जब सदन से कह दिया फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया ठीक है। ओके ओके ठीक ओके। क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिगिरी। 41 क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, अ स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर। द ऑनरेबल स्पीकर सर, विल द मिनिस्टर इंस्ट्रक्ट द हाउस regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes
particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goal. Speaker sir, जहाँ तक इस mechanism के implementation का राशि आपको कब प्राप्त हुई थी विभाग को और जितना अभी आपने वितरण किया है उसमें कितने दिन लगे हैं और इसके वितरण में और कितने दिन लगेंगे, जबकि आपका इसी प्रकार की स्थिति सिवान एनएच 227 ए की है, इसी प्रकार की स्थिति कटिहार का एनएच 131 ए का है, इस प्रकार से दर्जनों एनएच की सड़कें भू अर्जन पदाधिकारियों के सुस्ती के कारण फंसे हुए हैं। और महोदय पूरा की मैं पूछ लिया हूँ, महोदय बैठिए, पूरा पूछ लिया हूँ, बैठिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 40,82,45,422 रुपया तो कुल जो है इनका पश्चिम चंपारण एनएस 727 के लिए आया था, लेकिन उसमें सरकारी भूमि का रैयतीकरण अस्वीकृत होने के कारण 23,67,00,000 रुपया ये सरकारी भूमि का पैसा था, मात्र 17 करोड़ रुपया ही जो है भू स्वामी को भुगतान करना था, और इस 17 करोड़ रुपया में हमने 4,81,41,019 रुपया भुगतान कर दिया है, और जो पैसा अभी भुगतान नहीं हुआ है, जो चिंता माननीय सदस्य का है कि अभी तक ये भुगतान क्यों नहीं किया गया, मेरी भी जानकारी में ये बात आई, इस भुगतान में इतना समय नहीं लगना चाहिए था, इसलिए हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र निर्गत किया है कि आप स्पष्ट कीजिए कि इस भुगतान में इतना देरी क्यों हो रहा है और उसकी प्रतिलिपि। बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का हमला। उन्होंने कहा कि कल देश चाहता था बजट पर सार्थक चर्चा, विपक्ष ने बजट सत्र की गरिमा को गिराया है, विपक्ष ने जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को गाली देने का काम भी किया है। आइए सुनते हैं। ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ओपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूँ कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। दो चीज़ें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है, और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में, बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। तो किरण रिजिजू को सुन रहे थे आप। इधर आपको बता दें कि मकर द्वार को भी अवरुद्ध करने की शिकायत हुई है। कई सांसद स्पीकर के पास गए थे, गठबंधन की जो नेता है वो वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था, मकर द्वार को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया था, और इसी को लेकर शिकायत की गई है। मकर द्वार को आखिर अवरुद्ध क्यों किया गया, कई सांसदों ने स्पीकर से इसको लेकर शिकायत की है। कलिंदी सांसदों ने प्रदर्शन किया था और मकर द्वार को
अवरुद्ध कर दिया था। देखिए किस तरीके से कल बजट सत्र पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये हो हंगामा हो हल्ला, ये प्रदर्शन जो है इंडी गठबंधन के सांसदों की तरफ से किया गया था, तख्तियां हाथ में लेकर बैठ गए, बल्कि मकर द्वार को भी अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद अब कई सांसदों ने स्पीकर से शिकायत की है कि आखिर मकर द्वार को अवरुद्ध क्यों किया गया।